सैफा केस में बानी पीटीआई और शामी मुद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुलकरनैन ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुना दिया। सैफा कहाँ है? बानी पीटीआई से जज का इस्तफसार। मुझे नहीं मालूम, सैफा मेरे दफ्तर में था। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बानी पीटीआई का जवाब। क्या आप 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे? जज का इस्तफसार। मुझे पहले बताएंगे होता क्या है? बानी पीटीआई का जवाब। बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरे अदालत में रिकॉर्ड किया गया। मुलजमान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुलकरनैन अदालत से उठकर चले गए। मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी कमरे अदालत में मौजूद रहे। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात को देख रहे हैं, लेकिन उनकी सजा पाकिस्तानी अदलिया का मामला है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, किसी को सजा से इख्तलाफ है तो वो पाकिस्तानी अदलिया से रजू करे। अमरीका ने पाकिस्तान से हमेशा जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के एहतराम का मुतालबा किया है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू।